हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक चालू करने से पहले जो हमारा पिछला वीडियो था छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, उसमें कुछ लोगों के जो डाउट्स आए हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो जनवरी माह करंट अफेयर हमने जो पिछला वीडियो में कवर किया, उसमें जो तीजन भाई का जो पद्म विभूषण पुरस्कार जो सम्मानित किया गया, उसमें मैंने डेट लिखा है 2018। देखिए, एक्चुअली मेरे पास न्यूज़ आया था दिसंबर के एंड वीक में कि तीजन भाई को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन कई लोग का ये कहना है कि ये जो पद्म पुरस्कार 2018 नहीं 2019 कहलाएगा, क्योंकि उनको जो पद्म विभूषण से जो सम्मानित किया गया वो आपके जनवरी के स्टार्टिंग में सम्मानित किया गया। मेरे हिसाब से तो 2018 के लिए उन्हें 2019 में सम्मानित किया गया, लेकिन कई लोग का ये कहना है कि वो 2018 नहीं 2019 ही कहलाएगा, ये पद्म पुरस्कार 2019 कहलाएगा। तो चलिए, आप लोगों का कहना मान करके मैंने जो व्हाइट बोर्ड का फोटो जो फेसबुक पे जो टेलीग्राम चैनल पे जो मैं शेयर करता हूँ उसे मैंने बॉक्स में करके लिख दिया है कि 2019। तो बाकी दो डेट सेम रहेंगे कि तीजन भाई को पद्मश्री 1987, पद्म भूषण 2003 और पद्म विभूषण को 2019 कर लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसको लेकर के दो तीन डाउट्स आए कि छत्तीसगढ़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.2% हो ही नहीं सकता। कुछ ने तो एकदम खतरनाक वाला इमोजी भी भेजा मेरे को कि ये इम्पॉसिबल है, मतलब उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 22.2% इम्पॉसिबल है। उन्होंने जो मैंने बताया था आपको CMIE का रिपोर्ट, तो उन्होंने CMIE के वेबसाइट पर जाकर के मुझे एक लिंक शेयर किया और मुझे बताया कि इसमें छत्तीसगढ़ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 7.1 दिया हुआ है। लेकिन देखिए, मैंने उनको भी बताया और आप सभी के मन में भी, जिसके मन में डाउट होगा उन सभी को बता दे रहा हूँ, जो आपका CMIE के जो आप वेबसाइट में जाके चेक कर है, तो जो CMIE है ये पर डे हर दिन का आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट दिखाता है। छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टेट है, सॉरी भारत के जितने भी स्टेट है, सारे के सारे स्टेट का आपका पर डे का अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो शो करता है, ठीक। उन्होंने जो लिंक भेजा वो लिंक आपके जनवरी मंथ का, जनवरी माह में छत्तीसगढ़ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जनवरी 2019 का वो था आपका 7.1%। तो उनका यही कहना था कि छत्तीसगढ़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 7.1% है ना, आप जो है उसे 22.2% बताया है। लेकिन देखिए, मेरे पास एक पेपर का कट पीस था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि दिसंबर 2018 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 22.2% है। यानी उसने CMIE के जो रिपोर्ट है जनवरी 2018 से लेकर के दिसंबर 2018 तक का एवरेज निकाल करके बताया था कि पूरे साल भरे में छत्तीसगढ़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 22.2% है। और आप लोग जो उसके वेबसाइट में जाके चेक कर रहे हैं वो आपके जनवरी माह का मात्र है, ठीक। तो इसको लेकर के कंफ्यूजन में मत रहिएगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम है 22.2%। इसके अलावा जो दो माइनर मिस्टेक है, जैसे बोलने में जो मेरे से गलती हुई कि छत्तीसगढ़ के जो धान खरीदी है, धान खरीदी को मैंने बोर्ड पे लिखा सही था आपका 88 लाख मैट्रिक टन, लेकिन बोलने में उसमें गलती हो गई, ठीक। इसके अलावा जो आपका छत्तीसगढ़ नेता प्रतिपक्ष है आपके धर्मलाल कौशिक, उसका विधानसभा क्षेत्र मैंने बिल्हा रायपुर बताया है, लेकिन जो बिल्हा है वो आपका रायपुर में नहीं बिलासपुर में है। देखिए, वीडियो देखेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा बनता है, मेरा लगभग 40 मिनट का वीडियो बना था वो पिछला वाला। तो क्या है, इतने लंबे टाइम ड्यूरेशन में जब थोड़ा कंटिन्यू बोलते रहो ना तो थोड़ी माइनर मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, बस एक सॉरी बोल सकता हूँ कि हाँ मेरे से वो माइनर मिस्टेक हुआ, बोलने में गलतियाँ हुई है, ठीक। बाकी जो आप लोग के डाउट है तीजन भाई वाला और जो छत्तीसगढ़ का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मैंने आपको बताया, शायद आप समझ गए होंगे। तो देखिए, आज से आप लोग का छत्तीसगढ़ का CMO का टॉपिक चालू हो रहा है। CMO का टॉपिक चालू करने से पहले दो तीन चीज़ें जो आप लोग को बता रहा हूँ उसे ध्यान से समझिएगा। मैं CMO का टॉपिक आप लोग का कवर कराऊँगा एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर कवर कराने का मतलब मैं आपको पूरा टॉपिक कवर नहीं कराऊंगा, मेरे से जितना टॉपिक हो सकता है मैं उतना टॉपिक कवर करा दूंगा, क्योंकि मुझे भी अपने मेंस की तैयारी कंटिन्यू करनी है। लेकिन एक चीज़ के लिए श्योर रहिएगा कि जो टॉपिक मैं चालू करूंगा उस टॉपिक को मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा, पूरा कंप्लीट कराऊंगा। यानी एक महीने के टाइम ड्यूरेशन में जितने भी टॉपिक कवर हो जाए मैं आपको कवर करा दूंगा। दूसरी चीज़, इस जो छत्तीसगढ़ में जो CMO की जो परीक्षा हो रही है उसमें जो कुछ टॉपिक्स जो है वो सिलेबस के बाहर के हैं। यदि आप देखेंगे जैसे संपत्ति अंतरण अधिनियम, भू राजस्व संहिता, इसके अलावा पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम, ये जो टॉपिक्स है ये आपके लॉ के सब्जेक्ट है, लॉ के सब्जेक्ट इन द सेंस इसे आपके एडवोकेट और जज जो इनकी जो भर्ती की जो परीक्षाएं निकलती है उसमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या है, काफ़ी हैवी टर्म्स यूज़ किए गए हैं हिंदी में, लेकिन आप उसमें ऐसे हिंदी दिए गए हैं कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा इसमें मेरा मेहनत कम है, मेहनत आप लोग का ज़्यादा है,
आप लोगों को क्या करना है, मार्केट से कोई भी बुक उठाना है। देखिए बुक कौन सा पढ़ना है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मार्केट से अभी तक एक ही बुक मंगाया हूं और अभी तक पछता रहा हूं कि मैंने उसे क्यों मंगाया। ठीक है, कोई भी एक बुक उठाइए, मैं आपको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में चीज़ों को समझाऊंगा, आसान भाषा में आप लोग को समझाऊंगा। लेकिन आप लोग को क्या करना है, मैं आपको जो जो यहाँ पे सेक्शन बताऊंगा, जो जो धारा बताऊंगा, वो सारे धारा को आपको मैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बताऊंगा। आपको क्या करना है, बुक में जाना है, बुक में उसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया गया है आपको उन चीज़ों को पढ़ना है। यानी मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊंगा और जो बुकिश लैंग्वेज है, जो बुक की भाषा में जो दिया गया है, बुक में जो उसकी एग्जैक्ट परिभाषा दी गई है, आप उसे पढ़िएगा। फॉर एग्जाम्पल कई जगह आपका जो हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मींस आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम, इसमें कई जगह यूज हुआ है एक संदाय, संदाय वर्ड बहुत जगह यूज हुआ है। संदाय एक शुद्ध हिंदी है, तो देखिए संदाय का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, पेमेंट। ठीक, पेमेंट को कहा जाता है संदाय। तो ऐसे ऐसे वर्ड यूज हुए हैं, अगर मैं आपको ऐसे वर्ड बताऊंगा तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है, जब कभी भी अगर आप इस टॉपिक को लेके पढ़ने बैठेंगे तो साइड में एक आधी मोबाइल में डिक्शनरी खोल के रखिएगा, जो भी वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तुरंत टाइप करके उसका मीनिंग ढूंढ लीजिएगा कि उसका इंग्लिश में क्या होता है। जैसे आप बोर्ड में देख रहे हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें इंग्लिश में लिख रखी है, इंग्लिश में इन चीज़ों को समझाना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी में अगर उस चीज़ को समझने जाएंगे तो पार है सब चीज। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूं। देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदी में है आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। देखिए ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है ये कब आया, ये आया आपका 1 जुलाई 1882 को, 1 जुलाई 1882 को आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आया। ठीक है, देखिए ये डेट को याद रखिएगा, इस डेट से प्रश्न पूछ सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1 जुलाई 1882। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, देखिए मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोलूँगा हिंदी में भी समझाऊँगा, दो थोड़ा समझते चलिएगा। ठीक, इसमें जो आपके अध्याय है इसमें कुल 8 अध्याय है और धाराएँ कितनी हैं 137। संपत्ति अंतरण अधिनियम में या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में टोटल 8 अध्याय है और 137 धाराएं हैं। हम पूरा का पूरा 137 धारा कवर नहीं करेंगे, जो धारा एकदम इम्पॉर्टेंट है केवल उन धाराओं को पढ़ेंगे। देखिए अब मैंने यहाँ पे कुछ फ्लो चार्ट बनाया है, पहले इस फ्लो चार्ट को समझ लीजिए फिर आपको एक साथ बताऊँगा कि किस धारा में क्या लिखा हुआ है। देखिए ट्रांसफर मीन्स अंतरण, ट्रांसफर किसी भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है, फर्स्ट बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज, सेकंड बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज इन द सेंस मतलब दो लोगों के मध्य हो रहा है, दो या दो से अधिक लोगों के मध्य जो होता है वो है आपका बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। एक्ट ऑफ पार्टीज यानी जो एक्ट मतलब अधिनियम, एक जो प्रोसीजर होता है कानूनी प्रोसीजर, दो व्यक्तियों के मध्य, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य कानूनी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जो ट्रांसफर होता है वो एक टाइप से है। दूसरा है आपका बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ में लीगल सक्सेसर। ठीक, लीगल सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी। ठीक है, ये क्या होता है समझाता हूँ। बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज फिर दो पार्ट में है, एक है आपका टेस्टामेंट्री, दूसरा है इंटरवियोस। टेस्टामेंट्री मीन्स वसीयतनामा, वसीयतनामा सभी को मालूम होगा वसीयतनामा क्या होता है। दूसरा है इंटर विवोस, इंटर विवोस मीन्स दो जीवित व्यक्तियों के मध्य जो ट्रांसफर होता है उसे कहा जाता है इंटर विवोस। ये है आपका लीगल सक्सेसर, लीगल सक्सेसर मतलब उत्तराधिकारी। अब समझिए लीगल सक्सेसर क्या होता है, लीगल सक्सेसर मतलब मान लीजिए एक पिता है वो अपनी वसीयत बनाना भूल जाता है, अगर वो पिता अपना वसीयत बनाना भूल जाता है तो एक जो नॉर्मल प्रोसीजर क्या फॉलो होता है, अगर पिता अपना वसीयत बनाना भूल गया है लेकिन फिर भी पिता के मृत्यु के बाद जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी उसकी संपत्ति है वो ऑटोमेटिकली उसके पुत्र की हो जाती है। इन केस ऑफ जैसे कोई आर्मी सोल्जर है या उसका पुत्र किसी जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुत्र छोटा है तो उसका लीगल सक्सेसर कौन होगा, उसको उत्तराधिकारी कौन होगा, वो होगी उसकी वाइफ। ठीक है, तो उत्तराधिकारी का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो ऑटोमेटिकली उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी किसके, उसके लीगल सक्सेसर में। जैसे इन केस ऑफ सोल्जर्स जो आर्मी वाले हैं उनके लीगल सक्सेसर उनकी वाइफ होती है, विडोस मींस विधवा। ठीक,
और इन केस ऑफ जो नॉर्मल पर्सन की बात करें हम, तो यदि पिता की मृत्यु हो जाती है उसकी आयु खत्म होने के बाद, पूरी एक अपनी एक पूर्ण आयु उसने जी लिया है, उसके बाद यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका अगला हकदार उसका पुत्र होगा। ठीक, अब देखिए, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज टेस्टामेंट्री और इंटर विवोस। टेस्टामेंट्री मीन्स वसीयतनामा, यानी एक व्यक्ति है, एक पिता है जो एक वसीयत बना करके गया कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा इस बेटे को जाएगा, इतना हिस्सा दूसरे बेटे को जाएगा। ठीक है, वसीयत में पूरे के पूरे एक प्रोसीजर, पूरा लॉ फॉलो करके पूरे एक्ट वैक्ट के साथ एक वसीयत बनाया जाता है कि मेरे मृत्यु के पश्चात, समझिएगा, मेरे मृत्यु के पश्चात मेरी प्रॉपर्टी का ये हिस्सा इसको मिलेगा। तो इसमें क्या वसीयतनामा कब फॉलो होता है, अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद, तभी वो वसीयतनामा या टेस्टामेंट्री आपका वैलिड होता है। अगला है इंटर विवोस। इंटर विवोस मींस दो जीवित व्यक्तियों के मध्य ट्रांसफर। मान लीजिए आपने कहीं पे एक जमीन खरीदी, अब उस जमीन को आप बेचना चाहते हैं, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं, तो आप दोनों, देखिए दो जीवित व्यक्तियों के मध्य आपका प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है, तो ये कहलाता है इंटर विवोस। ठीक, ये जो दो केस है आपका लीगल सक्सेसर और टेस्टामेंट्री, इसमें ये कौन सा कंडीशन है जिसमें आपकी मृत्यु होने के पश्चात उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। लेकिन इंटर विवोस एक ऐसा केस है जिसमें दो जीवित व्यक्तियों के मध्य प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है। ठीक, तो अब इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, मींस संपत्ति अंतरण अधिनियम है, यह केवल दो जीवित व्यक्तियों के मध्य ही जो ट्रांसफर होते हैं उसे कवर करता है। यानी जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जो भी आपका ट्रांसफर हो रहा है या संपत्ति का जो लेन देन हो रहा है, वो केवल जीवित व्यक्तियों के मध्य ही होगा। यानी वसीयतनामा और लीगल सक्सेसर, इसे यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर नहीं करता। ध्यान समझिएगा, देखिए वसीयतनामा से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते हैं, लीगल सक्सेसर से भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होते हैं, लेकिन ये किसी और एक्ट में कवर होते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 5 यानी सेक्शन 5 में सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होने वाले अंतरण के लिए ही वैलिड है। ठीक, दो जीवित व्यक्ति, देखिए किसमें दिया गया है, सेक्शन 5 यानी धारा 5 में लिखा हुआ है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होने वाले अंतरण को ही कवर करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो कवर होता है, वसीयतनामा भी देगा, उत्तराधिकारी भी देगा, दो जीवित व्यक्ति भी देगा, ऐसे करके 3-4 ऑप्शन देगा। देखिए मैंने ये प्रश्न देखा है करके आपको थोड़ा इतना डिटेल में बता रहा हूँ। तो याद रखिएगा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दो जीवित व्यक्तियों के मध्य, दो या दो से अधिक जीवित व्यक्तियों के मध्य ही होने वाले ट्रांसफर को कवर करता है। अभी जो दो जीवित व्यक्ति, ये जो आपका सेक्शन 5 है यानी धारा 5 है, दो जीवित व्यक्तियों के मध्य जो ट्रांसफर होता है, तो दो जीवित व्यक्तियों का डेफिनेशन दिया गया है। दो जीवित व्यक्तियों में एक तो पर्सन भी आएंगे, उसके अलावा दो संगम मींस दो एसोसिएशन भी आएंगे, इसके अलावा निकाय यानी ऑर्गेनाइजेशन भी आएंगे। यानी जीवित व्यक्तियों के डेफिनेशन में एक तो व्यक्ति भी आ रहा है, उसके अलावा यदि कोई एसोसिएशन यानी कोई संकाय है वो भी कवर होंगे, या फिर जो निकाय है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इस जीवित व्यक्ति के डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो याद रखिएगा सेक्शन 5 जिसके अंतर्गत बताया गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम दो जीवित व्यक्तियों के मध्य होने वाले ट्रांसफर को ही कवर करेगा। देखिए अब दो जीवित व्यक्तियों के मध्य ट्रांसफर हो रहा है, तो ट्रांसफर कितने प्रकार हो सकता है। एक है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी आपका चल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अचल संपत्ति। और यदि शुद्ध हिंदी में जाना चाहे तो मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स जंगम संपत्ति, और इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स स्थावर संपत्ति। हिंदी में पढ़े होंगे स्थावर का ऑपोजिट जंगम। ठीक है, ये सारे डेफिनेशन आपको मिलेंगे। तो दो जीवित व्यक्तियों के मध्य यदि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो रहा है तो किस प्रकार से हो सकता है। एक होता है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक, यानी चल संपत्ति, और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति। तो देखिए सेक्शन 3 यानी धारा 3
देखिए सेक्शन आगे पीछे हो रहा है, जैसे यहाँ सेक्शन 5 हो गया, यहाँ सेक्शन 3 हो गया, तो आप अपने हिसाब से याद कीजिएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं इसी फ्लो में चलूँगा और हो सकता है कि सेक्शन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन समझने में इस तरीके से आपको आसानी होगी। तो देखिए धारा 3 या सेक्शन 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 3 के अंतर्गत केवल अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। याद रखिएगा, अचल संपत्ति को परिभाषित किया गया है और यह कहा गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत जो ट्रांसफर होंगे वो केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही ट्रांसफर होंगे। यानी समझिए, इसमें जो आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो आपका मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए भी वैलिड नहीं है। इसे समझिएगा, कई जगह आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि इसके अंतर्गत चल अचल संपत्ति दोनों का ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके धारा 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति का ही स्थानांतरण या ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक, इसमें जो डेफिनेशन दिया हुआ है, पहली बात तो ये, धारा 3 के अंतर्गत आपका चल संपत्ति का डेफिनेशन नहीं दिया गया है और अचल संपत्ति का जो डेफिनेशन दिया गया है वो निगेटिव सेंस में दिया गया है। निगेटिव सेंस मतलब देखिए, पॉजिटिव में क्या होगा कि इस परिभाषा में ये चीज़ें शामिल की गई है, निगेटिव डेफिनेशन का मतलब इस परिभाषा में ये चीज़ें शामिल नहीं की गई है। आगे समझाता हूँ, समझ जाएंगे। देखिए इतना तो समझ गए कि संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के माध्यम से केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति का ही स्थानांतरण किया जा सकता है और इसका उल्लेख किस में है, सेक्शन 3 यानी धारा 3 में। अब देखिए, इसका तो निगेटिव डेफिनेशन दिया गया है और इसका डेफिनेशन ही नहीं दिया गया है। देखिए निगेटिव डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें शामिल नहीं हैं। वैसे परिभाषा के हिसाब से क्या बताना चाहिए था कि आपके अचल संपत्ति या फिर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या क्या चीज़ें शामिल है। देखिए थोड़ा टफ है लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। तो इसमें क्या बताया गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत क्या क्या चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, तो यही बोला गया है कि इसमें इसकी नकारात्मक परिभाषा यानी निगेटिव डेफिनेशन बताया गया है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत देखिए डज नॉट इंक्लूड क्या क्या चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। फर्स्ट, स्टैंडिंग टिम्बर्स यदि आप हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका मतलब है खड़ा कास्ट, लेकिन इसको आप इंग्लिश में समझिएगा। टिम्बर का मतलब क्या होता है, ऐसी लकड़ियां जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं, तो इसके अंतर्गत जो फर्नीचर बनाने वाले जो आपके खड़े कास्ट है या जो पेड़ है उनको इसके अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं किया जाता। देखिए पेड़ तो अपने जगह पर ही है, पेड़ अपने जगह पर ही रहेंगे, उनको तो कोई हिला नहीं सकता, तो कायदे से तो उनको इमूवेबल होना चाहिए यानी अचल होना चाहिए, लेकिन इस डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टैंडिंग टिम्बर है यानी जो फर्नीचर बनाने के लिए उपयोग होने वाली जो लकड़ी है या जो उसके वृक्ष है उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं किया जाएगा, यानी ये मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। ठीक, जैसे टिम्बर है इसका जो मैक्सिमम यूज़ आपके व्यावसायिक कार्यों के लिए होता है, कमर्शियल यूज़ होता है, इसलिए इसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं रखा गया है। दूसरा है ग्रोइंग क्रॉप्स को भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं रखा गया। ग्रोइंग क्रॉप्स भी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। ग्रोइंग क्रॉप्स यानी उगती हुई फसलें, फॉर एग्जाम्पल गन्ना के फसल उगने के बाद आप उसे काट दिए, ठीक है, तो जब काट करके उसको बेचने के लिए ले गए, मतलब वो आपकी मूवेबल है, इमूवेबल नहीं है। ठीक, उसके बाद अगला है आपका ग्रास मीन्स घासें। देखिए ये तीनों को एकदम अलग से हाईलाइट करके इसमें दिया गया है कि स्टैंडिंग टिम्बर, उसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास यानी खड़ा कास्ट, हिंदी में बता रहा हूँ, खड़ा कास्ट, उगती हुई फसलें और घास, इन तीन चीज़ों को आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में शामिल नहीं किया गया है। ये प्रश्न भी यदि आप एनसॉल्व सॉल्व करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि निम्नलिखित में से किन्हें अचल संपत्ति में सम्मिलित नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन, कौन सा विकल्प अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, तो समझिएगा, देखिए जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए आपको
एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, कुछ लॉ रूल रेगुलेशन से जाने पड़ेंगे, कौन से, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के। अब जैसे आपकी ग्रोइंग क्रॉप्स है, ग्रोइंग क्रॉप्स यानी गन्ने को आप काट दिए, उसको बेचने के लिए ले गए, बेचने के लिए ले जाएंगे किसी को आप बेचेंगे, तो उससे किसी प्रकार का तो आप लिखा पढ़ी करेंगे नहीं। नॉर्मली ले जाएंगे, उसका एक बंडल बनाएंगे, गन्ने का बंडल बना करके आप किसी को बेच देंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे उसका एक बिल फाड़ करके आप उसको दे देंगे, लेकिन इसमें कोई लीगल प्रोसीजर फॉलो हुआ क्या? नहीं। इसीलिए आपका जो ग्रोइंग क्रॉप्स है इसे भी आपका मूवेबल प्रॉपर्टी में रखा गया है, इमूवेबल में नहीं। तो याद रखिएगा सेक्शन 3 में कहा गया है कि जो संपत्ति अंतरण अधिनियम है इसके अंतर्गत इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा। ठीक, देखिए ये तो था कि किन किन चीजों को शामिल नहीं किया गया है, अब किन चीजों को आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति के अंतर्गत शामिल किया गया है इसे समझिएगा। फर्स्ट है आपका लैंड, लैंड मतलब भूमि, भूमि अचल है, भूमि को आप उठा कर कहीं ले जा नहीं सकते दूसरे जगह, तो भूमि का आपका जो ट्रांसफर है वो संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत होगा। दूसरा, थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, मतलब वो चीज़ें जो जमीन से जुड़ी हुई है, ठीक है, जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें, तो उसके लिए और स्पेसिफाई किया है। फर्स्ट है रूटेड, मतलब जो एग्जाम्पल समझिए इसको, ट्री और प्लांट्स, जैसे आपका कोई वृक्ष है उसकी जड़ें फैली हुई है, आप उसे उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा नहीं सकते, मतलब वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब इसका आप जो है ये भी आपके संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत कवर होगा। यानी आप यदि एक जमीन का ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस जमीन में यदि जितने भी वृक्ष है तो वो भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक, देखिए यहाँ ट्रीज है, यहाँ पे स्टैंडिंग टिम्बर है, दोनों अलग है, ये साधारण वृक्ष है और ये आपके इमारती लकड़ी वाले वृक्ष है। दूसरा एम्बेडेंट मीन्स आपका वॉल और बिल्डिंग, जैसे आप कोई भूमि है, भूमि पे यदि आप घर बना करके रखे हैं तो उसमें जो वॉल है, तो वॉल जो है वो आपका जमीन में धंसा हुआ है, तो ये भी आपके अचल संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और जो आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग पूरी की पूरी एक इमारत खड़ी है, तो वो भी आपके अचल संपत्ति में काउंट होंगे। तो वही है थिंग्स अटैच्ड टू दी अर्थ, जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें जिसे खोद करके जिसका जो बेस है वो जमीन में धंसा हुआ है, ऐसी चीज़ों को भी आपका अचल संपत्ति कहा जाएगा और इनका भी ट्रांसफर आपका अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी के तौर पर होगा। ठीक, अगला परमानेंटली अटैचमेंट या फास्ट टेन, परमानेंटली अटैचमेंट मीन्स जो अटैचमेंट यानी ऐसे कुछ, जैसे एक दीवार है, दीवार में कुछ ऐसा चीज फिक्स है जिसे हटाया नहीं जा सकता, तोड़ फोड़ के हटा सकते हैं लेकिन वैसा नहीं है, ऐसी चीजें जिसे हटाया नहीं जा सकता वो है आपका परमानेंटली अटैचमेंट। फॉर एग्जाम्पल देखिए घर है, यदि आप समझ लिए अपने घर को किसी को बेच दिए, तो घर को यदि आप बेचे तो घर से आप बाकी चीज़ें ले जा लेंगे, जैसे अपने फर्नीचर ले जा लेंगे, टीवी ले जा लेंगे, तो ये जो फर्नीचर है, टीवी है, टेबल है, ये सारे के सारे चल संपत्ति, इसे आप अपने साथ ले जा सकते हैं। लेकिन जो आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम है इसके अंतर्गत कहा गया है कि जो परमानेंटली फिक्स्ड चीज़ें हैं, जैसे दीवार में जो आपके अंडरग्राउंड जो वायरिंग हुए हैं, अंडरग्राउंड वायरिंग है जो दीवार के अंदर, क्या आप उसे उखाड़ करके ले जा सकते हैं? नहीं। तो ये संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ये कहा गया है कि जो ऐसे दीवार है उसमें जो परमानेंटली अटैच्ड जो चीज़ें हैं वे भी संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति में काउंट होगी। ठीक, चीज़ें थोड़ा लेंदी है लेकिन समझते चलिए, इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये जो आपका ये भी है, ये भी आपका सेक्शन 3 के अंतर्गत ही इसे बताया गया है। ठीक, कौन कौन सा, लैंड, थिंग्स अटैच टू दी अर्थ और परमानेंटली अटैचमेंट। ठीक, इंग्लिश में समझा रहा हूँ तो इतने इजी तरीके से समझा सकता हूँ, हिंदी में यदि इसको पढ़ने जाएंगे तो भूबद्ध, ठीक है, और भी कुछ अनाप शनाप चीज़ें हैं, मैं तो खुद पढ़ने बैठा तो मेरा दिमाग घूम गया है इसमें। देखिए अगला है वैलिड ट्रांसफर फॉर्मेलिटीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, यानी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर होता है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर है जिसमें ये कहा जाएगा कि ये जो ट्रांसफर हुआ ये वैलिड है। तो ये जो आपका ये जो बताया गया है ये भी आपका सेक्शन 3 में ही बताया गया है। देखिए फर्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट एंड अटेस्टेशन, अटेस्टेशन जैसे आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आप अपने इस डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करा के आइए, अटेस्टेड करा के आइए, मतलब कोई भी सरकारी अधिकारी के पास जाकर के आपको वहाँ पे खड़े रह करके उसका साइन लेना पड़ता है, तो सेम वही है वो इंस्ट्रूमेंट, इसका हिंदी मतलब है लिखित, तो
देखिए एक्चुअली में हिंदी अगर देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट का कुछ और होता है, लेकिन इंग्लिश में इंस्ट्रूमेंट है और हिंदी में देखेंगे तो लिखित है, ठीक। दूसरा है आपका अटेस्टेशन। देखिए पहले इसको समझ लीजिए है क्या, ये जो आपका लिखित होना चाहिए, जो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो लिखित होना चाहिए, और जो आपका डॉक्यूमेंट बनेगा वो अटेस्टेड होना चाहिए। इसको साधारण भाषा में समझिए, आप यदि कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप उसके लिए एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और वो डॉक्यूमेंट बनाता कौन है, नोटरी, ठीक। नोटरी उसको अटेस्ट करता है। देखिए तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। पहली बात, प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है और उसके लिए यदि कोई लिखा पढ़ी हो रही है तो उसके लिए दो जीवित व्यक्तियों का होना जरूरी है। दो जीवित व्यक्तियों के मध्य, ऑलरेडी हम सेक्शन 5 में पढ़ चुके हैं, जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो दो जीवित व्यक्तियों के मध्य हो रहा है, तो दो जीवित व्यक्तियों का होना चाहिए। दूसरा, दो साक्षी का होना चाहिए, यानी विटनेस, जो खड़े होकर के, जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी का आपका लेन देन होता है तो उसमें विटनेस का साइन, यानी दो साक्षी जो है आपके कोई पहचान वाले हो या आस पड़ोस के लोग हो उसमें साइन करते हैं, तो ये दो विटनेस होना चाहिए, कम से कम दो विटनेस होना चाहिए उस डॉक्यूमेंट में साइन करने के लिए। और एक है आपका निष्पादक, मीन्स एग्जीक्यूटर, निष्पादक मतलब वो नोटरी जिसके सामने आप दोनों प्रस्तुत होकर के, यानी खड़े होकर के साइन कर रहे हैं, और जिसके सामने वो दो साक्षी खड़े होकर के साइन कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें जो यदि आपसे पूछा जाए कि एक वैलिड प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या चीज़ें होनी आवश्यक है, तो दो जीवित व्यक्तियों का होना आवश्यक है, दो साक्षी का होना यानी दो विटनेस का होना आवश्यक है, एक एग्जीक्यूटर यानी एक निष्पादक का होना आवश्यक है, ठीक। जैसे एक प्रश्न मैंने देखा था अनसॉल्व्ड में कि जो प्रॉपर्टी के जो ट्रांसफ़र होने के लिए, अब जो दस्तावेज है उसके लिए हिंदी में कुछ और वर्ड यूज़ हुआ था, लेकिन मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ कि दस्तावेज में कम से कम कितने साक्षी या विटनेस के सिग्नेचर होने आवश्यक है, तो कम से कम दो विटनेस का सिग्नेचर होना आवश्यक है। देखिए डॉक्यूमेंट कंप्लीट कब माना जाएगा, जब आपका दो व्यक्ति और दो विटनेस दोनों के साइन हो उस डॉक्यूमेंट में, साथ ही साथ निष्पादक यानी जो आपका नोटरी है, नोटरी के सिग्नेचर प्लस उसकी मुहर यानी सील लगी होनी चाहिए, ठीक। दूसरा रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मतलब नोटरी जो डॉक्यूमेंट बना है उसके अंतर्गत वो कुछ एक्ट्स स्पेसिफाई करता है कि मतलब ये धारा या ये अधिनियम के अंतर्गत ये जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। इससे क्या होता है कि अगर इन फ्यूचर कोई लीगल एक्शन लेना है या आप कोर्ट में जाते हैं तो उसमें क्या है, डायरेक्ट जो है देख करके बता दिया जाता है कि इस धारा के अंतर्गत या इस प्रावधान के अंतर्गत ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है, तो उसमें क्या है आगे फैसले सुनाने आसान होते हैं, तो ये है रजिस्ट्रेशन। तीसरा है नोटिस, नोटिस यानी सूचना बिफोर एनी लीगल एक्शन। देखिए मान लीजिए ये ए है, ए ने अपनी प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी है बी को, ठीक, पहले ही बेच चुका है, लेकिन बी को बिना बताए वही प्रॉपर्टी वो दोबारा बेच रहा है सी को, ठीक। लेकिन पहले किसको बेचा था, इसने बी को बेचा था, लेकिन अब बेचना चाह रहा है वो सी को, इसके लिए एडवांस ले लिया है, सब चीज़ ले लिया है, लेकिन अब यदि बी इसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है, ए के ऊपर ये आपका लीगल एक्शन ले सकता है, लेकिन लीगल एक्शन लेने से पहले उसे इसके पास नोटिस भेजना जरूरी है, तो वही है नोटिस। देखिए ये है सिंपल, लेकिन यदि आप उसको धाराओं में पढ़ेंगे, जो आपके पास कहीं से भी स्टडी मटेरियल आप लाइए उसमें यदि पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आसान शब्दों में समझा रहा हूँ, उसे एक बार पढ़ के देखिएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट एंड अटेस्टेशन, रजिस्ट्रेशन, नोटिस, ये सारे के सारा जो प्रोसीजर है ये भी आपका सेक्शन 3 के अंतर्गत ही बताया गया है, और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका ये अटेस्टेशन, जिसके अंतर्गत आपका दो व्यक्तियों का सिग्नेचर होना चाहिए, दो साक्षियों का सिग्नेचर होना चाहिए, एक निष्पादक मीन्स एक एग्जीक्यूटर का भी सिग्नेचर और सील होना चाहिए, इससे प्रश्न पूछा जाता है। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, यदि पूछा गया कि ये सारा प्रोसीजर जो है, जो एक वैलिड ट्रांसफर होने के लिए जो प्रोसीजर है, जो प्रावधान है, किस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया, तो धारा 3 के अंतर्गत बताया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ये कुछ अपवाद बोल सकते हैं इसको आप, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ द लैंड, यानी ये जो है, जो आपकी भूमि है, भूमि क्या है, भूमि तो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन इस भूमि से जो आपके अराइज हो रहे हैं, अराइज क्या हो रहा है, बेनिफिट्स यानी जो इससे होने वाले जो लाभ है, कुछ अपवाद समझ लीजिए, ये जो लाभ है ये भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में ही काउंट होंगे, ठीक। समझिएगा क्या क्या है, मान लीजिए एक तालाब है,
तालाब है, तालाब में आप मछली पाल रहे हैं, तो तालाब को तो आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक उठा के ले जा नहीं सकते। तो जो तालाब में जो मछली है, जो मछली का पालन हो रहा है, तो वो मछली भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होगी। इसे याद रखना, ये एक्सेप्शनल केस है, लेकिन इससे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मछली पालन मीन्स फिशरीज, ये भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होती है। दूसरा है आपका फेरीज, फेरी मतलब जैसे नौका परिवहन। तालाब आपका है, पूरा का पूरा तालाब आपका है, आपने गड्ढा खुदवाया, पानी डलवाया, तालाब बन गया, उसमें यदि कोई नौका चालन करना चाहता है तो प्रॉपर्टी आपकी है। अगर वो नौका चालन कर सकता है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो नौका चालन है वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी अचल संपत्ति जिस पे आपका अधिकार है। ठीक। तीसरा है आपका राइट टू वे, जमीन आपकी है, कोई यदि उसके बीच में से डेली उसमें यदि कोई मार्ग निकाल लेता है तो वो प्रॉपर्टी आपकी है, आप भी उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि वो अचल संपत्ति है, आपकी अपनी संपत्ति है, उस पर चलना नहीं चलना ये आपका डिसीजन रहता है। ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है, राइट टू वे, फेरी, फिशरीज यानी जो सड़क मार्ग के जो चलने का अधिकार, दूसरा फेरीज यानी जो नौका तालाब है उसमें जो नौका यदि आप चला रहे हैं, नदी की बात नहीं कर रहा हूँ, तालाब की बात कर रहा हूँ, नदी पे तो किसी का अधिकार रहता नहीं है, तो नदी में जो नौका चलती है, सॉरी तालाब में जो नौका चलती है वो, और फिशरीज मीन्स मत्स्य पालन, जो मछली का जो पालन होता है, ये भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट होते हैं। यानी आप यदि अपने तालाब को बेच रहे हैं तो तालाब के साथ साथ उसमें जो मछली है वो भी आपके ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी अगले के पास। ठीक। अब देखिए एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी मीन्स पात्रता। ये जो एक संपत्ति अंतरण अधिनियम मीन्स प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, यानी इस एक्ट के अंतर्गत किस कौन सा व्यक्ति पात्र होगा एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए, क्या योग्यता हो सकती है, आप ऐसे समझ सकते हैं। देखिए पहली बात तो मेजर पर्सन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है, और दूसरा है आपका साउंड माइंड का व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है। मेजर पर्सन, देखिए माइनर नहीं होना चाहिए, यानी अवयस्क व्यक्ति, सो यानी बच्चे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो सिंपल है। साउंड माइंड का क्या होता है, साउंड माइंड का मतलब जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो पागल नहीं होना चाहिए या मंद बुद्धि नहीं होना चाहिए, कोई जो मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं वो लोग इस जो संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अपात्र समझे जाते हैं। ठीक है, तो साउंड माइंड का मतलब समझ गए, साउंड माइंड का मतलब पागल नहीं होना चाहिए, मेजर पर्सन होना चाहिए। देखिए मेजर पर्सन यानी 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए, लेकिन इसमें दो चीज और स्पेसिफाई किया गया है। एक है आपका 18 प्लस मतलब एडल्ट, वयस्क होना चाहिए तभी वो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कर सकता है। दूसरा 21 प्लस, इन केस ऑफ गार्जियन, मान लीजिए कोई एक बच्चा है उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उसके नाम पर कोई संपत्ति है, तो वो अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर तब तक नहीं कर सकता जब तक वो आपका 21 वर्ष की आयु पूर्ण ना कर ले। मतलब वो बच्चे के माता पिता मर गए हैं, प्रॉपर्टी उसके नाम पे है, कोर्ट ने किसी को उसका गार्जियन नियुक्त किया कि जब तक ये एडल्ट नहीं हो जाता तब तक ये अपने प्रॉपर्टी का जो है ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, तो जो गार्जियन है उसके प्रॉपर्टी का देखभाल करेंगे। तो इस केस में वो एडल्ट कब माना जाएगा, जब वो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेगा, कब, जब उसके अभिभावक होंगे। ठीक है, तो ये है एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया। और ये जो योग्यता है, ये योग्यता दिया गया है आपका सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 मतलब धारा 7 में आपका ये एलिजिबिलिटी या पात्रता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ अनबॉर्न पर्सन मीन्स अजन्मा व्यक्ति या अजन्मा बच्चा। देखिए यदि कोई व्यक्ति चाहे तो जो उसका बच्चे है या जो उसका पुत्र है वो पैदा हुआ भी नहीं है तो भी उसके प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकता है। देखिए हमने क्या पढ़ा है कि प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र दो जीवित व्यक्तियों के मध्य ही होगा, लेकिन जो बच्चा जन्म ही नहीं लिया है उस केस में यदि कोई व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करना चाहे तो वो कैसे करेगा। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र में शादी कर रहा है, अब वो चाहता है कि मैं कभी भी मर सकता हूँ, तो उस केस में वो कैसे अपने जो संपत्ति है वो अपने पुत्र के नाम पर करेगा। तो देखिए इसके लिए भी ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक प्रावधान है, इससे भी प्रश्न आता है कि अजन्मे व्यक्ति के लिए जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर है ये किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन आपको बाद में बताऊंगा। देखिए ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति अपना जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, व्यक्ति है उसकी एक वाइफ है, उसकी 2 संतान है समझ लीजिए, लेकिन ये अभी हुए नहीं है, ये अभी जन्म लेने को है, अजन्मे बच्चे है। तो वो व्यक्ति क्या चाहता है कि इसका जो भी एक पुत्र होगा उसको वो अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहता है।
ठीक अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहता है, लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 5 ये बोलता है कि ये जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है केवल दो जीवित व्यक्तियों के मध्य ही होगा, ठीक है। तो यानी ये जो ट्रांसफर है ये तो इनवैलिड हो गया, लेकिन इसका प्रावधान है सेक्शन 13 में ये कहा गया है, यानी धारा 13 में ये बताया गया है कि अगर कोई अजन्मे बच्चे के लिए अगर कोई ट्रांसफ़र करना चाहे तो उसका भी एक प्रोसीजर है। देखिए मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र करना चाहता है तो वो डायरेक्टली तो कर नहीं सकता, लेकिन इनडायरेक्टली कर सकता है, वाइफ के थ्रू सन। देखिए मतलब वो अपने दस्तावेज में ऐसे लिखेगा, साधारण भाषा में बता रहा हूँ कि मैं अपना नाम लिखेगा, मेरी पत्नी से होने वाले प्रथम पुत्र के नाम पे मैं अपने प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, साधारण बोलचाल की भाषा में। धारा में क्या लिखा है आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, समझ में तो नहीं आएगा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है आपका नॉर्मल भाषा में, यानी वो इनडायरेक्टली उसमें वो प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम नहीं कर रहा है, क्या लिख रहा है कि जो मेरी संपत्ति है मेरी पत्नी से होने वाले प्रथम पुत्र के नाम पर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो देखिए इसमें ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट वाइफ के नाम पे नहीं है, वाइफ के थ्रू पहले पुत्र के नाम पे है, ठीक है। तो इसकी हकदार इसकी वाइफ नहीं होगी, जो बच्चा पहला जो बच्चा जन्म लेगा उस बच्चे के नाम पे वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी, जैसे ही वो बच्चा जन्म लेगा वो प्रॉपर्टी उसके नाम पर हो जाएगी। इसमें ये केस नहीं बनता कि वो एडल्ट होगा या उसका गार्जियन, ऐसा कोई केस नहीं है, वो बच्चे के जन्म लेने के बाद से ही वो उस प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है। कई केस ऐसे होते हैं कि जैसे आपके ही जो पिता है या जो आपके पापा होंगे आपके नाम से कुछ प्रॉपर्टी खरीदते हैं, लेकिन उसका लेन देन पापा के ही सिग्नेचर से हो जाते हैं, वो केस को हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसको समझिएगा। अजन्मे बच्चे के नाम पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है वो किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 13 यानी धारा 13 में दिया गया है। उसके अलावा देखिए ये जो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है उसमें लिखा गया है कि पत्नी से होने वाले पहले पुत्र के नाम पे ही किया जा सकता है। यदि व्यक्ति चाहता है कि मैं दूसरे संतान के नाम पे भी करूं तो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कवर नहीं कर सकता, यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पहले अजन्मे बच्चे के लिए ही वैलिड है, ठीक। तो इतना सारा है, इतना सारा याद रखिएगा। सेक्शन 5 जिसमें बताया गया है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दो जीवित व्यक्तियों के मध्य ही आपका होने वाले ट्रांसफ़र को कवर करेगा। सेक्शन 3 जिसमें आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दी गई है निगेटिव सेंस में, तथा यह बताया गया है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जो भी ट्रांसफ़र होंगे वो केवल अचल संपत्ति या इमूवेबल प्रॉपर्टी के ही होंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में किन किन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, स्टैंडिंग टिम्बर मीन्स खड़े कास्ट, उसके अलावा उगती हुई फसलें यानी ग्रोइंग क्रॉप्स और आपके घास यानी ग्रास, ठीक, इन चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है, अलग से हाईलाइट करके बताया गया है किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। इसके अलावा जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें और जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें तथा उसमें लगे हुए कुछ परमानेंट या फिक्स चीज़ें, ठीक, ये भी आपके सेक्शन 3 के अंदर है। सेक्शन 3 के अंतर्गत ही आपका बताया गया है कि एक वैलिड ट्रांसफ़र होने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो आपका इंस्ट्रूमेंट एंड अटेस्टेशन जिसमें दो जीवित व्यक्ति तथा दो साक्षी के सिग्नेचर होने चाहिए, तथा निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर के सिग्नेचर और आपके उसमें मुहर यानी आपके सील लगे होने चाहिए। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नोटिस, इसमें जो बेनिफिट्स अराइज यानी जो भूमि है, भूमि तो आपकी अचल संपत्ति है, उससे जो कुछ लाभ है वो भी आपके इमूवेबल प्रॉपर्टी में आएंगे, कौन कौन से, राइट टू वे, फेरी और फिशरीज। इसके अलावा एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया यानी एक संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत ट्रांसफ़र करने के लिए एक व्यक्ति की क्या योग्यता होनी चाहिए, सेक्शन 7 में बताया गया है। जबकि अजन्मे व्यक्ति या अजन्मे बच्चे के लिए यदि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना है उस अजन्मे बच्चे के नाम पर तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है वो आपके सेक्शन 30 के अंतर्गत बताया गया है। तो आज का हम टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। तो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।